गाजियाबाद की साहेबाबाद पुलिस ने ट्रॉली बैग में एक महिला का शव बरामद किया था। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का सहारा लेने के बाद पुलिस द्वारा शव को जिस बुलंदशहर निवासी आमिर की पत्नी वरीशा का शव बताया गया, वो वरीशा न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने खुद पुलिस से संपर्क कर अपने जिंदा होने की जानकारी दी है। अब सवाल ये उठता है कि फिर आखिर वह कौन मृतक महिला थी, पुलिस ने जिसे वरीशा का शव समझकर न सिर्फ वरीशा के परिजनों को सौंप दिया बल्कि उसके परिजनों द्वारा शव को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है उस वरीशा की जिसकी हत्या के आरोप में उसका पति, सास और ससुर न सिर्फ जेल गए बल्कि इसे मृत समझकर एक अज्ञात महिला के शव को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। दरअसल बीते 23 जुलाई को वरीशा रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पति आमिर द्वारा बुलंदशहर नगर कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई। बुलंदशहर पुलिस वरीशा की तलाश ही कर रही थी कि 27 जुलाई की सुबह गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने एक ट्रॉली सूटकेस से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने न सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लिया बल्कि आसपास के राज्य और जनपदों में भी पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधा। 24 घंटे के भीतर ही गाजियाबाद पुलिस ने मृतका की शिनाख्त उस वरीशा के रूप में की जिसकी गुमशुदगी पति आमिर द्वारा 23 जुलाई को बुलंदशहर में दर्ज कराई गई थी। इसमें गाजियाबाद पुलिस द्वारा वरीशा के भाई और मां को भी मौके पर बुलाया गया और उस वक्त उनके द्वारा भी मृतका के शव को वरीशा का ही शव बताया गया। गाजियाबाद पुलिस ने ये जानकारी बुलंदशहर पुलिस को दी और बुलंदशहर पुलिस ने वरीशा के परिजनों की तहरीर पर वरीशा के पति समेत वरीशा के सास ससुर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जी वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, कब से लापता थी? वो 23 जुलाई से लापता है। 23 जुलाई 2020 से? जी। कहाँ से लापता हुई थी? बुलंदशहर ससुराल से अपने। क्या पति क्या करते हैं, कब शादी हुई थी? मुर्गे का काम करते हैं। 1 जून सन 2020 में शादी हुई थी। कोई दहेज मांगा था? जी दहेज मांगा था। कितना? बोल रहे थे हमारा काम है उसका, मुर्गे का हमें गाड़ी दो, मच्छी का काम है हमारा गाड़ी दो हमें, और फ्रिज दो, वॉशिंग मशीन दो हमें, सारा दहेज मांग रहे थे। हमने जितना हमारी गुंजाइश थी हमने उतना दिया, उसके बाद बावजूद भी अलग मांग रहे थे। तो जब ये जुलाई में लापता हुई तब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? जी कराई है। क्या कहा था पुलिस ने बुलंदशहर में? बुलंदशहर में ये बात हुई थी कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ना, ये बोल रहे हैं भाग गई, उल्टे सीधे बयान दे रहे थे कि भाग गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे पैसे लेके भाग गई। अच्छा। हाँ, फिर हमने कंप्लेंट करी, लड़के को बुलाया, उसको वहाँ पुलिस ने पूछताछ करी तो लड़के ने बताया कि जेवर मैंने चुराया, जेवर चोरी हुआ था उसको। कौन से लड़के ने? उसके पति ने। अच्छा, क्या नाम है पति का? आमिर। अच्छा, आमिर सनोब मुस्लिम नाम है उसके पापा का। अच्छा। और आगे क्या हुआ फिर? 16 तारीख को हमारे घर पे थी, उनके पापा गए घर से लेके आए उनको, मेरी बहन को। 17 तारीख को उन्होंने खबर दी कि जेवर चोरी हो गया। बोल रहे हैं जेवर चोरी हो गया, मैंने कहा कंप्लेंट करें, वो कह रहे हैं नहीं कंप्लेंट क्या करें, जेवर तो और बन जाएगा, हाथ पैर सही सलामत रहेंगे, जेवर बन जाएगा। हम भी शक है, ये यहाँ कैसे पहुँची होगी? हमें उसके बाप पे, उसके पति पे और उसकी सास पे शक है, उन्हीं लोगों ने ये काम करा है। अच्छा, क्यों किया होगा? ये जी दहेज के लिए ही करा है। आपको पता है कि इन हालात में डेड बॉडी मिली थी, सूटकेस में मिली थी? जी। सूटकेस को पहचानते हैं आप? सूटकेस को हम नहीं पहचानते, लेकिन हम बॉडी को पहचानते हैं, हमारी बहन है। गाजियाबाद और बुलंदशहर पुलिस कथित हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजने के बाद अपनी पीठ थपथपा ही रही थी कि इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बुलंदशहर पुलिस को जानकारी मिली कि जिस वरीशा की हत्या के आरोप में उसके ससुराल जनों को जेल भेजा गया है वो वरीशा जिंदा है। बुलंदशहर SSP ने वरीशा से पूछताछ के बाद बताया कि पति की मारपीट से आहत होकर वो 23 जुलाई को घर से अपनी परिचित महिला के घर नोएडा चली गई थी। हालांकि वरीशा को जिंदा पाने के बाद बुलंदशहर पुलिस उसके भाई द्वारा दर्ज कराए गए दहेज हत्या और मामले से 304B के धारा को हटाकर दहेज उत्पीड़न का मामला चलाने का दावा कर रही है। दिनांक 23/7/20 को कोतवाली नगर बुलंदशहर में आमिर सनाफ मुस्लिम निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर के द्वारा एक तहरीर दे करके अपनी पत्नी के गायब हो जाने के संबंध में सूचना दी गई, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज की। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहां एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके
एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि यह शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी, उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरीशा के रूप में किया। इसके बाद उस इस्माइल नामक व्यक्ति को लेकर के साहिबाबाद की पुलिस कोतवाली नगर बुलंदशहर आई, जहाँ पर वरीशा की माँ अलीगढ़ से आ चुकी थी और उसने भी उस शव को, शव के फोटोग्राफ को देखा और उसे अपनी बेटी के रूप में पहचाना। इसके बाद उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 1 जून 2020 को शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे तंग किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दर्ज हुआ। रात में ही साहिबाबाद पुलिस के साथ उसकी माँ और उसका भाई पुनः वापस गाजियाबाद जाते हैं। हमारे यहाँ से सीओ सिटी श्रीमती दीक्षा सिंह, जो उस मुकदमे की विवेचक हैं, वो भी साथ जाती हैं। उनके सामने पुनः उस शव की शिनाख्त माँ और भाई के द्वारा अपनी बहन अपनी बेटी के रूप में की जाती है। इसके बाद दो दिन बाद, दूसरे दिन, इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज एक बिल्कुल डिफरेंट परिस्थिति में एक महिला अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला सिपाही से मिलती है और बताती है कि वह अलीगढ़ की रहने वाली है, उसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी और उसे विभिन्न माध्यमों से जानकारी में आया कि उसके माता और भाई ने एक अज्ञात महिला के शव को उसके रूप में पहचान किया और उसे दफना दिया गया है और कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया गया है उसके हत्या के जोर में। इस बात की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को पब्लिक के माध्यम से हुई और हमने एक टीम तत्काल भेज करके उस लड़की को बुला लिया है। प्राथमिक पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि 1 जून को उसकी शादी हुई थी, 1 जुलाई को वो अपने मायके पहली बार वापस गई और वहाँ से 17 तारीख को वापस आई। वापस आने के बाद उसके पति सास ससुर ने उसके गहने छीन लिए, उसके साथ मारपीट की और ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता ने गहने चुरा लिए। मारपीट अधिक होने के कारण 22 जुलाई की रात को उसने बताया कि उसके पति ने पुनः उसे बहुत पीटा, उसका गला दबाया, नाक से खून आ गया। इसके बाद 23 को दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो दुखी होकर के घर छोड़कर चली गई। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि यह नोएडा गई, नोएडा में पहुंच करके, ये पहले कभी वहाँ काम कर चुकी है, नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहाँ काम कर चुकी थी, उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। आज ये उसी क्रम में वापस अलीगढ़ जा कर के उस महिला कांस्टेबल से मिली और इसने पूरी बात बताई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो जिस महिला का शव प्राप्त हुआ था उसका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया था क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। दूसरा, चूँकि पुलिस को यह आशंका थी कि हो सकता है शिनाख्त में गलती हो जाए, इसलिए उसका DNA संरक्षित करा लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी इस तरह की कोई समस्या आए तो उसका निराकरण किया जा सके। और आज चूँकि महिला जीवित लौट आई है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना मारपीट हुआ है, अतः जो अपराध इसके माता इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। साथ ही गाजियाबाद पुलिस को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि उनके यहाँ 27 तारीख को बंद रटैची में जो अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त वरीशा के रूप में की गई थी, वो शिनाख्त गलत पाई गई है, उस संबंध में वो अपने स्तर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। भले ही बुलंदशहर पुलिस के अधिकारी वारिशा के जिंदा मिलने के बाद जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश करने की बात कह रहे हों, मगर अब गाजियाबाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि ट्रॉली बैग से पुलिस ने जो लाश बरामद की थी वो लाश किसकी थी। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस द्वारा गाजियाबाद पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ
शमशुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।